नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरल इन्फेक्शन के बारे में। अभी आपने देखा होगा अपने आसपास चारों ओर सराउंडिंग में वायरल इन्फेक्शन बहुत अधिक फैल रहा है, तो हम डिस्कस करेंगे वायरल इन्फेक्शन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, जैसे ही हमारा कोई वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो यह एक सीजनल इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स में फीवर आता है 99 to 100 डिग्री तक, लेकिन अगर यह फीवर ज्यादा है, समटाइम्स ये फीवर 101, 102 भी हो जाता है, तब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। सबसे पहले पेशेंट को गले में खराश, सोर थ्रॉट जिसे हम कहते हैं, होता है। इसके अलावा कोल्ड, कफ, हेडेक, बॉडी एक, डलनेस और लेथार्जीनेस, एकदम जो एनर्जी होती है पेशेंट की एकदम डल हो जाती है और कंटिन्यूस रेस्ट ही रेस्ट करने का मन करता है। तो ये सारे सिम्टम्स वायरल फीवर के होते हैं। तो पेशेंट को कब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? जनरली कब कोल्ड होने पर और माइल्ड अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो 2-3 दिन में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर फीवर 3 दिन से ज्यादा है और फीवर में टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है तब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक ऐसा नहीं है कि क्रॉनिक और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों में ही अच्छा असर करती है, यह एक्यूट डिजीज में भी बहुत अच्छा असर करती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक मेडिसिन आती है एकोनाइट 200। अगर किसी को ठंडी हवा लगने के कारण बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, तो हमें इसकी 2-2 बूंद, एकोनाइट 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसमें पेशेंट को इतना डर जाता है, पेशेंट को फियर ऑफ डेथ भी थोड़े से फीवर में ही लगने लगता है। दूसरी मेडिसिन आती है यूपिटोरियम पर्प। इस मेडिसिन का अभी आपने काफी नाम सुना होगा क्योंकि यह डेंगू की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट को बहुत अधिक बॉडी एक है, डलनेस है, उठने का मन नहीं कर रहा है तो यह और फीवर कंटिन्यूस आ रहा है तो यह मेडिसिन आपको लेना है। यूपिटोरियम 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। यह मेडिसिन डेंगू की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यह प्लेटलेट काउंट को बहुत अच्छे से जल्दी इंक्रीज करने में मदद करती है। तीसरी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजिनम 200। यह मेडिसिन सभी प्रकार के फ्लू, वायरल फ्लू पर वर्क करती है। सिम्टम सेम ही होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर पेशेंट को होता है। चौथी मेडिसिन है बेलाडोना 200। इस मेडिसिन में पेशेंट का जो फेस होता है वो काफ़ी फ्लशिंग होता है, पेशेंट को हाई ग्रेड टेम्परेचर रहता है, कफ पेशेंट को बहुत अधिक होता है, तब इस कंडीशन में इस मेडिसिन को देना है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगली मेडिसिन आती है हिपरसल्फ 200। हिपरसल्फ 200 मेडिसिन में पेशेंट को बहुत अधिक सोर थ्रॉट होता है, गले में काफ़ी दर्द होता है, कोल्ड और कफ की समस्या होती है एवं फीवर भी पेशेंट को आता है। ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चूंकि यह इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है, इस कारण यह बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि जब कोई भी इंसान खांसता छींकता है तो उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं खांसने और छींकने की, वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं और कोई भी पेशेंट अगर इनके कांटेक्ट में आता है तो उसको यह इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कारण वायरल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। बच्चों में ये बहुत अधिक होता है क्योंकि बच्चे जनरली साथ में ग्रुप में खेलते रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, एवं यह इन्फेक्शन जब पेशेंट को होता है तो पेशेंट को बहुत अधिक वीकनेस होती है। समटाइम्स बच्चों में लूज मोशंस, वॉमिटिंग, नोजिया, इन सब के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। इसके प्रिवेंशन में जनरली पेशेंट को बाहर का कंटामिनेटेड खाना, फ्रूट खाना नहीं खाना है और पानी का अमाउंट ज़्यादा लेना है। रेस्ट इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जितना आप रेस्ट करेंगे उतना आपको बॉडी एक कम होगा, आपको मेंटल रिलैक्सेशन होगा। तीसरी बात, पानी ज़्यादा लें, लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, एवं आपको
मार्केटेड फूड का को अवॉइड करना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, खांसने छींकने के बाद हाथों को वॉश करना है आपको अपने, एवं आपको अभी मच्छर बहुत अधिक हो रहे हैं इस कारण से वायरल फीवर तो हो ही रहा है, साथ में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सारे फीवर्स भी बहुत अधिक हो रहे हैं, तो आपको मॉस्किटो क्वाइल का उपयोग करना है, ओडोमास का उपयोग करना है, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हम मच्छरों से बच सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं, उसका उपयोग करना है। अपने आसपास चेक करें कहीं भी रुका हुआ पानी तो नहीं है, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर मक्खी बहुत अधिक पनपने लगते हैं और यही मच्छर डेंगू फैलाते हैं, और इसमें प्लेटलेट काउंट काफी कम हो जाता है और पेशेंट को ब्लड चढ़ाने तक की भी, प्लेटलेट चढ़ाने तक की भी जरूरत पड़ जाती है। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हम इन सब वायरल फीवर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या हो गया है तो दूसरों को फैलने से रोक सकते हैं। आपको मास्क भी बहुत सिंसियरली लगाना है, कोई भी प्रकार का वायरल फीवर या कफ कोल्ड आपको जब हो रहा है तो आपको मास्क सिंसियरली लगाना है, इससे आप खुद भी और आप दूसरों को फैलाने से भी बच सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। बी हेल्दी, बी हैप्पी।